मन रे बंदिया कर्मों का फल भुगतेगा तू माने या ना। मन रे बंदिया कर्मों का फल भुगतेगा, न्याय तराजू पे तुझको है तुलना, न्याय तराजू पे तुझको है तुलना। जो बोझा पाप छल भरेगा तू माने या ना। मन रे बंदिया कर्मों का फल भुगतेगा तू माने या ना। मन रे बंदिया कर्मों का फल भुगतेगा, न्याय तराजू पे तुझको है तुलना। जो बोझा पाप छल भरेगा तू माने या ना। मन रे इंसान कर्मों का फल हंसते हंसते कत्ल है करता, हंसते हंसते कत्ल है करता। नहीं ईश्वर के न्याय से डरता, हंसते हंसते कत्ल है करता। नहीं ईश्वर के न्याय से डरता, है मुश्किल उसकी व्यवस्था से बचना। कर्मों का फल भुगतेगा तू माने या ना। मन रे इंसान कर्मों का फल भुगतेगा तू माने या ना। मन रे इंसान कर्मों का फल भुगतेगा। सभी मीठी मीठी तालियां बजाएं और गुनगुनाएं ये पंक्ति मेरे साथ में, ये बात याद होगी। और एक बीट में स्पष्ट जैसे ताल बजता ना ऐसे तालियां बजाएं तो अच्छा लगेगा। संचित क्रिये माण प्रारब्ध कर्म है, संचित क्रिये माण प्रारब्ध कर्म है। शास्त्र वचन है ये तुझको भरम है, संचित क्रिये माण प्रारब्ध कर्म है। शास्त्र वचन ये ओए तुझको भरम है, वो न्यायकारी दयालु अजन्मा। कर्मों का फल भुगतेगा तू माने या ना। मन रे इंसान कर्मों का फल भुगतेगा। बनना चाहता तू है सिकंदर, हो ओ बनना चाहता तू है सिकंदर। मौका है अब भी कर दे सरेंडर, बनना चाहता तू है सिकंदर। मौका है अब भी कर दे सरेंडर। अनगिन योनियों में पड़ेगा लटकना, कर्मों का फल भुगतेगा तू माने या ना। मन रे इंसान कर्मों का फल भुगतेगा तू माने या ना। मन रे इंसान कर्मों का फल जैसा पकाता वैसा ही खाता। वेद हमें ये पाठ पढ़ाता,
सुमित्र वेदनु सार तू चलना परमो का फल भुगते सुमित्र वेदनु सार तू चलना परमो का फल भुगते तुझको है तुलना जो बोझा पाप छत भरेगा तू माने या ना माने रे इंसान कर्मों का फल भुगतेगा तू माने या ना माने रे इंसान कर्मों का फल भुगतेगा और न्याय तराजू में तुझको है तुलना जो बोझा पाप छल भरेगा। इसलिए हम जैसा करते हैं ना वैसा हमें भुगतना ही भुगतना पड़ता है उससे बचाने वाला। वो कहते कर्मों के फल माफ हो जाते, कर्मों के फल माफ नहीं होते। वो माफ तब होते हैं जब वो भोग लिए जाते हैं, तब कर्मों के फल माफ होते हैं। इसलिए कर्मों के फल जो माफ कराते हैं, जो दुकानें चली हुई हैं वो कोई नहीं करा सकता। परमात्मा न्यायकारी है, दयालु है, अजन्मा है। वो कई बार लोग कहते हैं कि जी दयालु में और न्यायकारी में, तो परमात्मा दयालु है तो परमात्मा दया करता है, छोड़ देता है जिसने कोई बुरा कर्म किया, थोड़ा सा डिस्काउंट तो मिल ही जाता है। तो न्यायकारी और दयालु में थोड़ा थोड़ा हमको परिवर्तन नजर आता है, इसमें थोड़ी शंका है। मैंने कहा ईश्वर दयालु तो इसलिए है कि ईश्वर सबके ऊपर दया करते हैं। अच्छा ये बताओ हवा जो है वो खाली एक आदमी के लिए चल रही है या पूरी मानव जाति के लिए चल रही है? हवा सबके लिए चलती है, आतंकवादी भी रहता है, सज्जन भी रहता है और दुर्जन भी रहता है। वायु सबके लिए है, ये आकाश सबके लिए है और ये सूर्य सबके लिए चमक रहा है, ये चंद्रमा सबको ठंडक देता है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए बोलो नहीं है। तो ये ईश्वर की क्या है? और किसी के साथ में अगर अत्याचार हुआ है और उस व्यक्ति को जिसने अत्याचार किया उसको दंड ना मिले तो कैसा लगता है जिसके ऊपर अत्याचार हुआ है? वो उसके साथ में भी अत्याचार ही है, उसको दंड नहीं मिला। जिस व्यक्ति के साथ में जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके साथ में भी अत्याचार हो गया, इसलिए परमपिता परमात्मा जिसने जो कर्म किया उसको दंड देता है। और वो जो अच्छे आदमी हैं, जो सज्जन व्यक्ति है, उन पर क्या हो गई? परमात्मा की दया हो गई, तो वो भी दया है। तो इसलिए ये जो दोनों चीजें एक ही, इनको समझना पड़ेगा। तो ईश्वर दयालु भी है, न्यायकारी भी है, परमपिता परमात्मा सबके कर्मों के ठीक ठीक कर्मों के फल देता ही देता है। इसलिए बच्चों अपने जीवन में कभी भी बुरे कर्म, मैंने उस दिन भी समझाया था, झूठ बोलना पाप है और उसके गले में, इसलिए झूठ नहीं बोलना। परमात्मा जैसे जिस जिस इंद्रिय से हम जो जो कर्म करते हैं वैसे ही बना देते हैं हमको। जिसने सारी जिंदगी लूट करके खाया उसको टेढ़ी मेढ़ी चाल चली, कभी सीधे पथ पर नहीं आया, उसको सांप ही बना दिया, ले तू अब सांप ही ऐसे ही चल टेढ़ा टेढ़ा। जिसने सारी जिंदगी हराम की कमाई खाई है, दूसरे का धन ऐट करके खाया है, सुअर को जो खिलाना था वो परमात्मा ने बोलो खिला ही दिया कि नहीं खिलाया? परमात्मा वो जेल तैयार रखते हैं, जैसे जेल होती है ना कारावास में, अलग अलग ग्रेड के जो कैदी होते हैं उनको भेजते हैं उनके बैरक में। तो परमात्मा की जितने भी योनियां हैं जेल ही तो हैं, चौपायों की जेल है, अलग अलग योनियां। इसलिए बच्चों अपने जीवन में, तुम्हारे लिए दो पंक्ति कहता हूं, अपने जीवन में हमेशा सुधर करके चलना। प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, काम की बातें तुम्हें सुनाए। मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, काम की बातें तुम्हें सुनाएं। मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। ऋषियों ने उपकार किया है, ग्रंथों का भंडार दिया है। ऋषियों ने उपकार किया है, ग्रंथों का भंडार दिया है, ग्रंथों का भंडार दिया है।
पढ़कर ऋषियों के ग्रंथों को मानवता की शान बढ़ाए, मानव जीवन में उपयोगी ऋषि मुनियों की शिक्षाएं। प्यारे बच्चों सुनो ध्यान से, काम की बातें तुम्हें सुनाएं। मानव जीवन में उपयोगी पूरा ध्यान लगा कर पढ़ना, कदम कदम पर आगे बढ़ना, कदम कदम पर आगे बढ़ना। सतपथ पर जो कदम बढ़ाए, उनको पीछे न कभी हटाए। मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं, मानव जीवन में उपयोगी ऋषियों मुनियों की शिक्षाएं। तो अपने जीवन में हम ऋषियों के पथ पर चले, वेद पथ पर चले।